नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर देहरादून के गुच्चू पानी रोवर्स केव में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उपस्थिति जनसमूहों को देश के प्रति समर्पित रहने, शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति समर्पित भाव रखने हेतु शपथ दिलाई। इसके साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया गया और कार्यक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी की। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भारत माता की। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन संत सुखराम सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। खुद भी सैनिक के बेटे हैं, मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल, उसके भी जगह जगह स्मारक हैं, सब जगह हमारा सम्मान, मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ। और बाकी सब ठीक है, इसी बात पे हमारा परिवार भी बहुत खुश है, वो भी बहुत सम्मानित है। मैं तो खैर फौज में तो नहीं रहा, मेरा परिवार फौज में, मेरा छोटा बेटा भी कैप्टन था, लेकिन कुछ हादसे की वजह से वो भी बाहर आ गया फौज से छोड़कर। बस क्या पूछ, सब ठीक ठाक है भैया, अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम रहने वाले इधर ही अनार वाले के हैं। यूथ कांग्रेस की ओर से आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस ने महिला एम्पावरमेंट को लेकर शक्ति सुपर श्री कार्यक्रम को लॉन्च किया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा झंडा लहराएंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को बल देना है। वहीं लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को ताकत देने जा रही है। पूछ रहे हैं कि वीआईपी का नाम बताओ, क्योंकि जो असली दोषी है वो वही लोग हैं। कौन है वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बातचीत की गई? उनका नाम आना चाहिए, उनका नाम सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि असली जो दोषी हैं वो वही लोग। मैं सोचती हूँ कि वो भी उस बेटी को न्याय दिलाना आज हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि अंकिता को न्याय दिलाने से सिर्फ अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि हर उस बहन को, हर उस बेटी को। मैं पहाड़ से आती हूँ, इसलिए विशेषकर पहाड़ के बारे में कहना चाहती हूँ कि पहाड़ में बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले आज हर एक बाप, हर एक भाई थर थर कांप रहा था। बेहतर भारत की बुनियादी कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, महिलाओं को राजनीति में किस प्रकार उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से अभी 33% महिलाओं को भारतीय युवा कांग्रेस में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका दिया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि अपनी हमारी बहनें हैं या माताएं, उनको सशक्त किया जाए। उनको जो लोग घर पे बैठे हैं राजनीति करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ना करें। हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद ब्रह्मपुरी में अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि पर धनगर समाज ने एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे ऑल इंडिया धनगर समाज संघ के जिलाध्यक्ष पवन कुमार धनगर ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी के मध्य भारत के मालवा क्षेत्र की प्रमुख रानी और शासक थी। उन्हें भारतीय इतिहास में महान महिला शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। कई लोग उन्हें भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में से एक मानते हैं। अहिल्याबाई होलकर का शानदार शासन तब समाप्त हो गया जब
13 अगस्त 1795 को उनका निधन हुआ। आज पूरा देश उनकी पुण्यतिथि मनाकर उन्हें और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद करते हैं। श्री ऋषिपाल जी, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ जिला हरिद्वार से जिला से, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 228वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर हम धनगर समाज के लोग इसको मना रहे हैं और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को नमन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अपने समाज के जो राजनीतिक चिंतन मनन है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां स्थानीय निवासियों को स्ट्रीट लाइट ना लगाने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 5000 पोल ऐसे हैं जिनमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिस कारण शहर के अधिकांश वार्डों में अंधेरा रहता है। वहां अब नगर निगम के अध्यक्ष सुनील उनियाल गामा का ने कहा कि जल्द ही लाइट लगाने वाली संस्था EESL कंपनी को बुलाकर 15 दिन में स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। स्ट्रीट लाइटों की समस्या भी हमारी 14 तारीख को जो है बोर्ड बैठक भी हो रही है, उसमें जो है ESL वालों को हम उसमें बुलाएंगे और ESL को साथ जो है वार्ता भी की जाएगी और उनको अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन पे जो है दंडात्मक कार्रवाई भी करने में हम पीछे रहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ भी साइबर ठगों के निशाने पर है। यहाँ इलाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाजों ने लंदन के IP एड्रेस का सहारा लेकर ठगी कर दी। शिकायत के बाद हरिद्वार पुलिस ने बिहार के नवादा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। दोनों ही आरोपी लंदन के IP एड्रेस पर वेबसाइट चलाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते हैं। पतंजलि योगपीठ के एक कर्मचारी की शिकायत पर बहादराबाद थाने में केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच करते हुए पुलिस बिहार से आरोपियों की दबोच लाई है। एक वादी के द्वारा शिकायत की गई थी कि वो पतंजलि में इलाज के लिए ऑनलाइन संपर्क किया और उसके साथ फ्रॉड हो गया, वो 2 लाख रुपए फर्जी अकाउंट में डाल दिया। इस तहरीर पे जब तस्दीक की गई तो जो अभियुक्त थे वो नवादा के अभियुक्त निकले और इसकी पूरी जब डिटेल छानबीन करने के बाद टीम का मूवमेंट 10 तारीख को कराया गया और जब सोजाना गांव जब वहाँ पे पहुँचा गया तो 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और अब खबर सहसपुर से है, जहां कई गांव को जोड़ने वाला धौलास से जेतन वाला रोड बाधित हो गया। दरअसल चट्टान के खिसकने से रोड पर मलबा आ गया, जिसके बाद वाहनों के आना जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। वहीं इससे सभी गांव वालों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहसपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर जेतन वाला रोड जो है बाधित हो गई है, जिसके चलते खासा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चट्टाने खिसकने से रोड पर मलबा आया, लेकिन अभी तक वो मलबा हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सीएम धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित वीरों को सलाम कार्यक्रम में गुच्चू पानी में पौधारोपण किया। साथ ही सीएम ने वीर शहीदों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी माटी मेरा देश अभियान में जुड़कर इससे प्रभावी बनाना होगा। बात माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है, उन्होंने भी खुद 2 घरों में तिरंगा लगाया है और एक देखा रहे, आप देखें आज आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो सम्मान तिरंगे को मिला है पिछले वर्ष 15 अगस्त से मिला है। पहले ये होता था कि 15 अगस्त होता था तो लोग इंतजार करते थे कि हम पिकनिक जाएंगे, पर आज हर देशवासी घर में तिरंगा लगाता है और 15 अगस्त को मनाता है। मैं बहुत गर्वान्वित हूँ, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी शहीदों के बारे में बताया,
वो खुद भी सैनिक के बेटे हैं, मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, मेजर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल, उसके भी जगह जगह स्मारक हैं, सब जगह हमारा सम्मान मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है, कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे बहुत गर्वान्वित फील करता हूँ और बाकी तो सब ठीक है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिन पूर्व सीएम हरीश रावत के ओएसडी रहे रंजीत दास बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं अब खबर है कि आपके बसंत कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे और बागेश्वर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं वार पलटवार का दौर भी जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने जहां बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस की कुनीतियों की वजह से कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसके बाद ये कांग्रेस और गरिमा दसौनी की बौखलाहट देखी गई। देखिए परिवारवाद ये हम सभी जानते हैं और पूरे भारतवर्ष में आज जनता जो है परिवारवाद के विरुद्ध है, लेकिन जहां पे इतने बड़े स्वर्गीय चंदन रामदास जी जो कैबिनेट मंत्री रहे और कई बार के जीते हुए विधायक थे, उनके दुखद निधन के बाद जो जगह वहां पे रिक्त हुई थी उस पर विचार करना और वहां पे जनता का जो रुझान है वो किस तरफ है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरीके से उनके उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती है, ये जनता जनार्दन का कार्य है। सुनने में आया है कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और दूसरी पार्टी से आयात करने का कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है। महेंद्र भट्ट पहले इस बात का जवाब दें कि अभी अगस्त क्रांति के दिन समूची भाजपा ने देश भर में जो झंडा बुलंद किया था वो परिवारवाद के खिलाफ किया था। सल्ट में आप स्वर्गीय सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को टिकट देते हैं, पिथौरागढ़ में आप स्वर्गीय प्रकाश पंत की धर्मपत्नी चंद्रा पंत को टिकट देते हैं और आप बागेश्वर में भी स्वर्गीय चंद्र राम दास की पत्नी या बेटे को या भाई को आप टिकट देने का मन बना रहे हैं। थराली विकासखंड के देवलगवाड़ में विधायक भूपाल राम टमटा और एसएसबी गवालदम के कमांडेंट अनिल कुमार शर्मा ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत देवलगाड़ गांव के तमाम सैनिकों और शहीद सैनिक लाल के पोते को सम्मानित करने के साथ ही पंच प्रण की शपथ दिलाई। विधायक भूपाल राम टमटा ने 1962 के भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सज्जी लाल के बलिदान को स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद सज्जी लाल के पोते को सम्मानित किया। वहीं एसएसबी के कमांडेंट अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में एसएसबी ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए शहीद सज्जी लाल की स्मृति में एक पौधा लगाते हुए उनके बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने माँ भारती की सेवा में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको उनके परिजनों को आज मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है इसके तहत हम सब लोग याद करने का, पूरे देशवासी याद करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हम सब का गौरव की बात है, सौभाग्य है हम सब लोगों का कि जिन लोगों ने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो शहीद हुए। ये जो प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, इसमें हमें भी भारत सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि सभी जगह हमने पंचायतों के साथ मिलकर के हमने इस प्रोग्राम को सफल बनाना है और आप जानते हैं कि 75 साल पूरे हो गए हमारी आज़ादी को, अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का और साथ ही साथ उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमने अभी तक अपने ब्लॉक के अंदर 3-4 गांव के साथ मिल करके वहां जा करके एसएसबी के द्वारा गार्ड दी गई, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक थे।
खबर हरिद्वार से है, जहां महिलाओं का प्रमुख त्यौहार तीज के माध्यम से आगामी आम चुनाव की तैयारी करने वाले राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। भावना पांडे हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। बता दें कि रविवार को नगर निगम टाउन हॉल में महिलाओं ने तीज महोत्सव का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में भावना पांडे ने मुख्य रूप से भाग लिया। साथ ही इस तीज कार्यक्रम में आई सभी महिलाओं ने अपना समर्थन देने की बात कही है। एक दिन पहले का 24 घंटे का नोटिस पे तो किरण भटनागर जी ने, मेरी टीम सहायक है मेरी, जिन्होंने 1400 महिलाओं की टीम बना रही है वो, और जिसमें 300-400 महिलाओं की टीम बन चुकी है, और इनको मैंने हैंडबैग और ऑटो रिक्शा के कवर और जो मेरे चुनाव सामग्री होगी वो बनाने के लिए जो महिलाएं बनाएंगी, और कैप हैंडबैग और ऑटो रिक्शा के कवर, ये 3-4 में, और हर विधानसभा में 100-100 महिलाओं की। नए नाम के पैनल को लेकर मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आज शाम तक आईसीसी को 3 नए नाम का पैनल भेज दिया जाएगा, जिनमें से एक नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बसंत कुमार आम आदमी पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे ही कांग्रेस में आने से जहां एक ओर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, वहीं पार्टी के लिए भी जीत का रास्ता साफ होगा। आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आज ज्वाइन किया है, और अभी क्योंकि पुराने पैनल में उनका नाम हट के अब नया पैनल पार्टी का बन रहा है, और निश्चित रूप से उनका नाम भी पैनल में होगा, और जो निर्णय पार्टी का होगा, बसंत कुमार जी ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो सबके लिए होगा, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी सोच समझ कर। अपनी धरोहर संस्था की पहल पर कुमाऊं के हल्द्वानी की महिला संगठनों द्वारा नशे के दुष्प्रभाव पर नगर निगम हल्द्वानी के प्रांगण में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को सचेत किया। अपनी धरोहर की प्रदेश संयोजिका सुनीता जोशी ने नशा उन्मूलन अभियान संचालित किया। धरोहर के अध्यक्ष विजय भट्ट कार्यक्रम में नशे के प्रति बढ़ते रुझान पर कहा कि उत्तराखंड के कई स्थानों पर धरोहर संस्था की तरफ से आयोजित नशे मुक्त अभियान को सफल बताते हुए आगामी पूरे वर्ष चलने वाले इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। तो नुक्कड़ नाटक मंच की प्रस्तुति हो रही है नगर निगम हल्द्वानी की। यह प्रस्तुति तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। अपनी धरोहर संस्था की पहल की गई, जिसमें कि नुक्कड़ नाटक की संस्कृति की पेशकश की जा रही है। बैराज चीला मार्ग के बीच बहने वाली बरसाती बीन नदी पर पुल नहीं बनने से यमकेश्वर के हजारों लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। कई बार नदी पार करने के दौरान बड़े हादसे होते होते बचे हैं। आज भी एक बड़ा हादसा होने से टला है। बता दें कि हरिद्वार की ओर से आ रही एक थार उफनती बीन नदी को पार करने के दौरान बीच नदी में फंस गई, जिससे नदी का पानी थार के अंदर घुस गया। इस दौरान थार में बैठे ड्राइवर की जान खतरे में पड़ गई, जिसके बाद दूसरे किनारे पर बैठे स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्राइवर को नदी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। नदी में इस खतरे की जानकारी होने के बावजूद भी राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के बूडस एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के पदाधिकारियों में खासा रोष है, जिसके चलते उन्होंने डीएम कार्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए शासनादेश को धरातल पर उतारने की मांग की और आगाह किया कि अगर प्रशासन ने जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि देश भर में कई फाइनेंस पॉलिसी बैंकों के डूबे जाने के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में बूडस एक्ट बनाया था, जिसमें ठगी या फिर बैंकों में जमाकर्ताओं को पैसे 180 दिनों में 2 से 3 गुना वापस करने का शासनादेश पारित किया गया था।
सरकार की आज अथॉरिटी बनती है कि वो लोगों का पैसा दे वापस करे और उन्हीं की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, आज मीडिया के माध्यम से सरकार जान चुकी है कि क्या चीज है। अगर वो सब लगातार दबाए रखती है तो अब जनता जो है जाग चुकी है, वो कितना भी इसे दबाना चाहे वो नहीं दबा सकती। अब जो है उनका मुख्य मुद्दा ये है कि अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो आने वाले समय में जनता ही उन्हें मतदान नहीं करेगी और वही उनको सही रास्ता दिखाएगी कि जनता जो है कॉल किया जा रहा है। हम इतने बार सारे जिलाधिकारी के पास चले गए, कुमाऊं कमिश्नर साहब के साथ चले गए, जिला सारे मतलब जितने बड़े अधिकारी हैं सब लोगों से मिल चुके हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे रखा है, ऑनलाइन भी दे रखे हैं, हमने फैक्स भी कर रखा है, हमने प्रधानमंत्री जी को भी दे रखा है। अगर ये हमारा भुगतान नहीं कराएंगे सर, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये चीज सारी राज्यों में हो रहा है सर, इसका आंदोलन चल रहा है, ये बस ट्रैक्टर वाला है सर। हमारी गुहार मुख्यमंत्री तक गई है, हमने वहाँ ज्ञापन दिया था, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ शासन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है, आजकल में सब टाल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। जनता दरबार जिस दिन लगता है उस दिन भी मैडम मीटिंग में बैठ जाती है, जनता के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है इनके पास। तो हम सोच रहे हैं कि ये इन ठगों को फांसी दें लोग। आजादी के 77वें दिवस के मौके पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इस तिरंगा यात्रा को डीएम उदयराज सिंह ने पुलिस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में हाथ में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मी बाइक में सवार होकर डीडी चौक, गांधी पार्क, बाजार होते हुए इंदिरा चौक से लेकर रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंचे, जहां पर बाइक रैली का समापन किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस पूरे सप्ताह को बल्कि एक पक्ष को मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न जगहों पर स्थानीय निकाय हों, ग्राम पंचायतें हों, शहरी निकाय हों एवं विभाग हों, सभी स्तर पर जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उन्होंने आह्वान किया है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।